अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर तीन में का पहला भाग लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं, माना दो संख्याएं यक्स एवं वाई, ठीक ना। और देखिए इसमें लिख लेते हैं, जिसमें यक्स बड़ी है वाई से, ठीक ना। यक्स को हमने बड़ा माना है वाई से। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर है, तो अंतर लिखेंगे। लिखते हैं पहले प्रश्नानुसार अंतर क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस किए तो इसको अंतर हो गया। 26 का, ठीक है। तो ये पहला समीकरण प्राप्त हो गया। फिर लिखा है एक संख्या, ठीक ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x कितनी है, दूसरी संख्या वाई वाई का 3 गुनी है, तो 3 गुना कर लिया, ठीक ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कर लिया, 3 का गुना कर लिया। इसको समीकरण दो लिख लेते हैं, ठीक ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माना पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या y, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए x का मान 3y, समीकरण दो में से समीकरण एक में अगर रख दें तो इसमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण दो से समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए रखें क्या हुआ, इसको पहले पहला समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर, x माइनस वाई बराबर 26, और x के स्थान पर 3y रख देते हैं, तो 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से 1y गया 2y आया बराबर 26, तो y बराबर 26/2, दो नीचे पक्षांतर कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, इस प्रकार y बराबर 13 आ गया। इस y का मान समीकरण दो में रख देंगे तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। लिखते हैं y बराबर 13 समीकरण दो में रखने पर, तो देखिए दो में रखेंगे तो जाएगा यक्स बराबर 3/13, ठीक है, वाई के स्थान पर 13, तो 13 तिहाई 39। तो देखिए पहली दो संख्याएं क्या हो गई, 13 और 39, अतः दो संख्याएं 13 एवं 39 हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार 13 39 प्राप्त हो गया। तो देखिए यक्स का मान पहली संख्या 39 लिए थे, तो देखिए बड़ी संख्या 39 है, तो पहले 39 लिख लेते हैं यहाँ पर, 39 एवं दूसरी संख्या कितनी है 13, ठीक ना। तो इसमें ये बड़ी संख्या और वो छोटी संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार पहला भाग हो गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। इसमें दूसरे भाग में लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण उन कोणों को बोलते हैं कि यदि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो उनका योगफल 180 अंश आना चाहिए, ठीक ना। तो ये बोलेंगे कि ये दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। जैसे संपूरक कोण का एक उदाहरण ले लेते हैं, देखिए संपूरक कोण, जैसे देखिए एक 60 और एक 120, ठीक ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम दोनों का योगफल 180 आएगा। इस प्रकार बोलते हैं कि 120 और 60 एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, ठीक ना। तो प्रश्न नंबर दूसरे भाग का देखिए कैसे हल करेंगे। लिखते हैं माना दो संपूरक कोण
कोणों में बड़ा कोण एक्स एवं छोटा कोण वाई, ठीक ना, ये वाई ले लिया। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आना चाहिए, इससे पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इस प्रकार पहला मिल गया पहला समीकरण। फिर दूसरा लिखा है, देखिए लिखा है एक बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री ज़्यादा है, इस प्रकार ये समीकरण बना। तो y को अंदर कर लेंगे, x माइनस वाई बराबर 18, तो समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को हल करेंगे तो x और y मतलब दोनों संपूरक कोणों का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो एक समीकरण से x का मान ज्ञात कर लेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस वाई, वाई पक्षांतर कर दिया तो समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2-3 से, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो ये रहा समीकरण 2। तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, यहाँ x माइनस वाई बराबर 18, तो x का मान एक इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 180 माइनस वाई, और ये माइनस वाई है तो इसको भी यहाँ लिख लेते हैं माइनस वाई बराबर 18। तो ये हो गया 180 माइनस वाई, वाई माइनस 2y बराबर 18, तो ये हो गया माइनस 2y बराबर 18 माइनस 180। तो इसको 180 में घटा 18 हटा लेते हैं, 180 माइनस 18 8 दो 10 1 6 7 8 ये आया माइनस 162। तो वाई बराबर ये हो गया, दोनों माइनस कैंसिल हो गया, 162 बटे 2, 2 एक कम 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 मतलब 81 आया। तो y का मान 81 आ गया, लिखेंगे y बराबर 81 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, तो 3 में रख देंगे, ये रहा 3। तो लिखते हैं x बराबर 180 माइनस वाई, तो हो गया 180 माइनस 81। देखिए 81 को अगर घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसको हटा लेते हैं, 180 माइनस 81 ये हो गया 99, 10 तो ये आया 99, ठीक ना। तो इस प्रकार दोनों संपूरक कोण ज्ञात हो गए, लिखेंगे अतः दो संपूरक कोण, संपूरक कोण 99 डिग्री हैं एवं 81 डिग्री, ठीक ना, ये हो गए दोनों। तो प्रश्न नंबर 3 का तीसरा देखते हैं, तीसरा में लिखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले या प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो लिख लेते हैं इसमें, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य एक्स रुपया एवं एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य वाई रुपया, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार देखिए 7 बल्ले हैं, तो एक बल्ले का एक्स है तो 7 बल्ले का 7 एक्स प्लस 6 गेंद, एक गेंद का वाई तो 6 गेंद का 6 वाई बराबर 3800 रुपया, समीकरण
एक हो गया। इसी प्रकार अगली बार उसने तीन बल्ले खरीदे तो 3x प्लस फिर 5 गेंद तो 5y बराबर 1750 रुपये, ठीक ना। तो इसमें हम एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो लिखते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से, तो समीकरण एक नोट कर लेते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800। इसमें y को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक ना। तो 7x बराबर 3800, इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस 6y, फिर x का मान इसको 7 गुणे में है तो भाग में कर देते हैं 3800 माइनस 6y बटे 7, समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए पहले समीकरण इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पर 3x प्लस 5y बराबर 1750, x के स्थान पर रख देंगे इसको, इसको पूरा रख देंगे तो लिखेंगे 3800 माइनस 6y बटे 7, और ये जो है उसको लिख लेते हैं पूरा, प्लस 5y बराबर 1750। तो देखिए ये 3 का 7 से कुछ कटना नहीं है, तो 3 को आगे गुणा कर देते हैं इन दोनों पदों में। तो कितना गुणा करने के बाद आएगा 0 0, 8 3 24, 3 3 9, 2 11 माइनस 6 3 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, ठीक ना। अब इसका बटे में कुछ नहीं है तो इसका लघुत्तम लेंगे तो इसका सीधे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35y, और ये पूरे के बटे 7 हो जाएगा, ठीक ना। ये पूरे के बटे में 7 हो गया बराबर 1750। अब इनको हल कर लेते हैं, ये y वाला है तो लिखेंगे 11400 माइनस, इसको 35 में 18 घटाएंगे तो 18 20 30 17 आ गया, ठीक ना। तो 17y और फिर बटे 7 बराबर 1750, ठीक। अब तिरे गुणा कर लेंगे इनका, इसका गुणा इसमें और इनका गुणा इसमें करते हैं, लेकिन 11400 प्लस 17y बराबर, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं 0 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, और 7 1 7 7 5 12, तो हो गया 12250। इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 17y बराबर 12250 माइनस 11400। अब इनको घटा लेते हैं तो यहाँ घटा लेते हैं 12250 11400, तो ये 5 8, ये आ गया 850। तो y का मान आ जाएगा 850 बटे 17, ठीक ना। 17 को पक्षांतर कर दिए, 17 एकम 17 सत्य 17 5 85, तो y का मान 50 आ गया, ठीक ना। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 3 ये रहा, यहाँ रख लेते हैं x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे, देखिए यहाँ y है, y का मान 50 रख देते हैं यहाँ पर, बटे 7, तो हो गया 3800 माइनस, ठीक ना, 6 5 30 बटे 7,
तो 3800 में 300 गया तो 3500 आ गया, बटे सात, सात एकम सात, सात पचे 35, तो ये आ गया यक्स का मान 500। तो देखिए अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया एवं एक गेंद का मूल्य, ठीक ना, 50 रुपया आया है, ठीक ना। तो ये हो गया प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा भाग हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं। अब प्रश्न नंबर तीन का चौथा देखते हैं। लिखा है इसमें, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए इसमें लिखा है कि टैक्सी का भाड़ा, जैसे अगर टैक्सी अगर आप किराए पर लीजिए तो सबसे पहले इसमें बोला कि आपको एक नियत भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक ना। तो एक फिक्स चार्ज होता है हर किसी का, तो एक फिक्स चार्ज दीजिए, फिर जितना किलोमीटर आप चलेंगे उसका अलग चार्ज है, ठीक ना। तो इस प्रकार इसमें दिखा है कि अगर 10 किलोमीटर गया तो इसने 105 रुपये दिया और 15 किलोमीटर गया तो 155 रुपये दिया इसने। तो बोलता है कि इससे आप एक नियत भाड़ा जो है वो निकालिए और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है वो निकालिए, और अगर इसके बाद यदि कोई 25 किलोमीटर चलना चाहे तो उसको कितना रुपये भाड़ा देना होगा उसको ज्ञात करिए, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा 100 रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना ले लें इसको 2 रुपया, ठीक ना। मतलब नियत भाड़ा फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर का अलग चार्ज है। तो देखिए इसमें लिखा है प्रश्नानुसार, पहले इसने 10 किलोमीटर की यात्रा किया मान लिए, ठीक ना। तो 10 किलोमीटर चलिए, चाहे 5 किलोमीटर चलिए, चाहे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुछ भी, आपको एक नियत भाड़ा देना ही होगा, ये 100 रुपया। तो 100 रुपया भी देना पड़ेगा और 1 किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपया है। तो पहले कंडीशन में 10 किलोमीटर चला है तो 10y हो जाएगा और इन दोनों को जोड़कर इसने 105 रुपये दिया, ठीक ना। तो पहला समीकरण बन गया। इसी प्रकार ये 15 किलोमीटर अगली बार गया तो 15 किलोमीटर जाने के लिए एक नियत भाड़ा देगा ही और पर किलोमीटर का भाड़ा 2 रुपया है, तो 15 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया 15y और देगा। जब इन दोनों को जोड़ा तो इसने 155 रुपया हुआ। इससे हमको x और y का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाएंगे तो देखिए लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक से x प्लस 10y बराबर 105। तो इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक ना, पक्षांतर कर दिए इसको, तो ये समीकरण तीन बन गया। अब x का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में रख देंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में रखने पर, तो दो में देखिए तो दो रख लेते हैं, यहाँ पहले लिख लेते हैं x प्लस 15y बराबर 155, ठीक ना, 155 है ये। अब x का मान इसको यहाँ रख देंगे यहाँ पर तो लिखेंगे 105 माइनस 10y, और ये 15y भी लिखा है तो लिखते हैं यहाँ 15y बराबर 155। तो ये हो गया 105 और 15 में 10 गया 5 आ गया बराबर 155। इस 105 को पक्षांतर कर लेते हैं इधर, तो यह आया 5y बराबर
155 माइनस 105 तो हो गया, इसको कितना घटाएंगे, 5 में 5 गया 0 और 5 में 0 गया 5 तो 50, तो y बराबर 50 बटे 5, 5 दहम 50, तो इस प्रकार y बराबर 10 आ गया। ठीक ना, इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना, तो ये रहा समीकरण 3। ठीक ना, देखिए प्रतिस्थापन विधि में यही नियम है हमेशा, किसी भी समीकरण से तो हम समीकरण 1 से एक समीकरण निकालते हैं उसको 3 नंबर डाले, इस समीकरण से दो किसी x का आया है मान तो x का मान 2 में रखेंगे, इससे मान ज्ञात हो जाएगा, फिर उसका मान उठाकर 3 में रख देंगे। ठीक ना, देखिए समीकरण 1 से लिया, इसमें x का मान ज्ञात किया तो इसको समीकरण 3 निकाल लिया, अब x का मान समीकरण 3 से 2 में रख रहे हैं तो 2 में रखने से y का मान ज्ञात हो गया और इस y का मान 3 में रख देंगे। ठीक ना, तो ये रख रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो ये रहा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे, देखिए ये y है, यहाँ y का मान रख देंगे 10 आया है, ठीक, यहाँ 10 रख दे रहे हैं, तो ये हो गया 105 माइनस 100, तो 105 में 100 गया तो 5, तो x का मान 5 रुपये आ गया, तो देखिए इसमें क्या है, अतः नियत भाड़ा, देखिए अतः नियत भाड़ा ये आया 5 रुपया एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, ये आया 10 रुपया। ठीक ना, इसका मतलब अगर आप टैक्सी किराए पर लें तो उसका आपको 5 रुपया एक फिक्स चार्ज देना होगा, फिर अगर जितना किलोमीटर जाएंगे उसका 10 रुपया जुड़ता चला जाएगा। अब इसमें बोला है कि 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना चाहिए होगा, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो देखिए 25 किलोमीटर जाइए तो आपको 1 रुपया देना ही होगा, और 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपया है तो 25 वाई। ठीक ना, पहले हम समीकरण बना लिए हैं, 25 वाई हो गया। ठीक ना, 1 किलोमीटर का भाड़ा वाई रुपया है तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 गुणे वाई हो गया। अब इसमें एक्स और वाई का मान रख देते हैं, तो एक्स का मान ये रहा 5 रुपया आया है और वाई का मान कितना है 10 रुपया, तो ये हो गया 250 और 5 255 रुपया इसको देना होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 हो गया। अब 5वां भाग देखते हैं इसका। अब प्रश्न नंबर 3 का 5वां भाग देखते हैं इसमें क्या है, तो देखिए 5वां भाग में लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लिखेंगे, माना भिन्न का अंश x एवं भिन्न का हर y ले लेते हैं, तो इसमें अभिष्ट भिन्न क्या बनेगा, ये होता है अंश बटे हर, मतलब x बटे y हुआ। तो इसमें लिखते हैं प्रश्नानुसार, इसमें लिखा है पहले भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाएगा, तो इसमें लिखेंगे x प्लस 2 और y प्लस 2। ठीक ना, दोनों में जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो 9/11 हो गया। ठीक ना, तो इसका तिरेक गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इनमें और इनका गुणा इनमें, तो इनका गुणा इन दोनों पदों में हो जाएगा। तो देखिए एक बार लिख देते हैं, 11x प्लस 2 बराबर 9 और y प्लस 2। ठीक ना, ऐसे होगा। अब 11 गुणा x में करेंगे तो 11x 11 × 22 बराबर 9y प्लस 9 × 18। तो एक्स वाई चरों को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो गया 11x माइनस 9y
बराबर 18, इसको पक्षांतर करेंगे तो -22, तो एक समीकरण ये प्राप्त हो रहा है 11x-9y बराबर -4, ठीक ना। तो -4 ये समीकरण एक हो गया। अब देखिए इसी प्रकार लिखा हुआ है, अब देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो इसमें देख लेते हैं x+3/y+3 बराबर तो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका भी यही तिरेक गुणा करेंगे तो यहाँ लिखते हैं 6 और x+3/5y+3, अब गुणा कर लेते हैं अंदर तो जगह 6x ये 18 बराबर 5y ये 15, 5 × 15 xy चरों को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, ये हो गया 6x, इसको अंदर पक्षांतर करेंगे तो -5y और 15 और इस 18 को पक्षांतर कर देते हैं तो -18, तो ये हो गया 6x-5y = -3, ठीक ना। 15 में 18 गया तो -3 आया। इस प्रकार ये समीकरण 1 और 2 प्राप्त हुआ। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, ये है 11x-9y = -4। इसमें x का मान ज्ञात कर लेते हैं तो ये आएगा 11x = -4+9y, ठीक ना। इसको इधर पक्षांतर कर दिया और 11 को भाग में पक्षांतर कर देंगे तो बटे में चला जाएगा, तो ये बटे 11 हो गया। इस प्रकार समीकरण 3 प्राप्त हुआ। अब x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो दूसरा समीकरण ये है, इसको लिख लेते हैं पहले, लिखें 6x-5y = -3। अब x ये दिख रहा है, इसका स्थान पर ये पूरा रख देंगे तो यहाँ लिखते हैं 6 ये हो गया -4+9y = 11 -5y = -3। देखिए 6 का 11 से कटना नहीं है तो 6 गुणा कर देंगे अंदर, 6 × 24+6×54y = -5y = -3। अब इसका बटे में एक में नहीं है तो इसका गुणा कर लेंगे, ठीक ना। तो लिखते हैं -24+54y - 11×55y = -3। तो इन दोनों को हल कर लेंगे, 54 में 55 गया तो -y, ठीक ना। तो -24 छोटी संख्या से बड़ी संख्या घट रही इसलिए माइनस में आएगा, -11 = -3। -24 - y = तिरेक गुणा कर ले रहे हैं अब, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 11 × 3 = 33, ठीक ना। इस 24 को पक्षांतर कर लेते हैं तो -y = -33+24, ठीक ना। माइनस का पक्षांतर हुआ तो +24, -y = अब 33 में 24 घटा देते हैं तो ये 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये इस प्रकार दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे तो जाएगा y = 9, ठीक ना। तो ये y का मान 9 आया। y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, 3 में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 में, तो 3 समीकरण पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, x = -4+9y = 11
ठीक ना, इसको लिख लिया। अब y का मान 9 है तो 9 रख देंगे यहाँ पर, माइनस 4 प्लस 9 गुणे 9 बटे 11, तो हो गया 9 9 81 बटे 11। तो 81 में अगर 4 घटाएंगे तो 77 आ गया बटे 11, तो 11 के पणा से 7 बार में कट गया। इस प्रकार x और y का मान ज्ञात हो गया, तो लिखेंगे अतः अभिष्ट भिन्न अतः अभिष्ट भिन्न, देखिए ये x बटे y था ठीक ना, तो x का मान कितना आया 7, y का मान 9, तो इस प्रकार ये 7/9 भिन्न हो गया। लिखा इसमें 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो इसमें लिख लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र के वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक ना, x वर्ष और y वर्ष। इसमें लिखा है पहले 5 वर्ष बाद, तो लिखते हैं 5 वर्ष बाद, ठीक ना, अब से वर्तमान से 5 वर्ष बाद इनकी आयु, दोनों की आयु में 5-5 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले लिखते हैं जैकब की आयु, पहले इन लोगों की 5 वर्ष बाद आयु बनाई जाती है, तो जैकब की आयु ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक ना, 5 वर्ष बढ़ गई इनकी, ठीक ना, तो ये हो गया वर्ष। एवं उसके पुत्र की आयु, ये भी 5 वर्ष बढ़ा देंगे, है ना, तो y प्लस 5 वर्ष, ठीक ना। जैसे भी किसी व्यक्ति की आयु अगर 10 वर्ष है, मैं बोलूं 5 वर्ष बाद कितनी उम्र हो जाएगी, तो इसमें केवल 5 मतलब ये 15 वर्ष का हो जाएगा। तो अगर ये वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5, इसी प्रकार y प्लस 5 इसके पुत्र की आयु हो गई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब ये जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु कितनी है, ये है y प्लस 5 का 3 गुना कर लेंगे, ठीक ना, 3 गुना बोला है तो 3 गुना कर लेते हैं इसको। अब इसको हल करेंगे तो एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, तो लिखते हैं x प्लस 5 बराबर 3 का गुणा दोनों पदों में करेंगे तो 3y प्लस 3 5 15, यक्स वाई को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, तो इसको भी इधर बाई तरफ पक्षांतर कर लेते हैं, तो अगर यक्स माइनस 3y बराबर 15 और प्लस 5 का माइनस 5, तो यक्स माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1, ठीक ना। फिर देखिए लिखा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, तो लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, ठीक ना, पूर्व में हो जाएगा, इन दोनों की आयु में 5-5 वर्ष की कमी कर देंगे, तो लिखेंगे जैकब की आयु, तो जैकब की आयु कितनी जाएगी, यक्स माइनस 5 वर्ष एवं उसके पुत्र की आयु ये भी माइनस 5 हो जाएगी, तो y माइनस 5 वर्ष कम हो गया। अब इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि जैकब की आयु मतलब x माइनस 5 पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी, तो 7 गुना कर लेते हैं किसका, पुत्र की आयु कर लिया, ठीक ना, तो अब इसको हल कर लेंगे तो दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, 7 गुणा y में तो 7y, 7 गुणा 5 में तो 35।
अब y को एक तरफ करेंगे तो माइनस वाई है ना, x माइनस सेवन वाई बराबर माइनस पैंतीस, माइनस फाइव का ये प्लस फाइव हो गया, ये हो जाएगा x माइनस सात वाई बराबर माइनस पैंतीस प्लस पाँच तो माइनस तीस। ठीक है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिए और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस लगा दिए। इस प्रकार दो समीकरण प्राप्त हो गए, इनको हल करते हैं। अब तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक ये रहा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, x माइनस थ्री वाई बराबर दस, तो y को पक्षांतर कर लेते हैं तो x बराबर दस प्लस थ्री वाई, तो समीकरण तीन प्राप्त हो गया। अब x का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में रख देंगे तो लिखते हैं x का मान समीकरण तीन से समीकरण दो में रखने पर, तो दो में रख देंगे तो देखिए दो समीकरण है, इसको यहां लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे x प्लस माइनस में है माइनस सेवन वाई बराबर माइनस तीस, तो x का मान ये है, पूरा रख देते हैं यहां पर, तो लिखेंगे दस प्लस थ्री वाई और ये जो है इसको लिख लेते हैं माइनस सेवन वाई बराबर माइनस तीस, ये आया तीन में सात गया माइनस चार वाई। ठीक है, तीन छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा तो माइनस चार, फिर माइनस चार वाई बराबर माइनस तीस, इस दस को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस दस, माइनस चार वाई बराबर माइनस 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 अंक जुड़ जाएगा तीस एक चालीस, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर चालीस बटे चार, चार पक्षांतर कर दिया, द चार एक कम चार दहाम, तो वाई का मान दस प्राप्त हो गया। इस वाई का मान समीकरण तीन में रख देंगे तो एक्स का मान भी ज्ञात हो जाएगा, तो लिखते हैं वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, तो तीन देखिए ये रखा है, इसको लिख लेते हैं x बराबर दस प्लस थ्री वाई, अब यहाँ मान रख देंगे दस प्लस y का मान कितना है दस, तो ये हो गया दस प्लस तीस और तीस दस चालीस, तो x का मान आ गया y का मान आ गया, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे। अतः देखिए यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे अतः, इसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः जो माना जाता है उसी का आंसर होता है, अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक है, तो ये 10 वर्ष आ गया। इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो